आप मनमाना पौधा इमाम हुसैन नील दे उत्ते चढ़ के दसिया मेरे बाबे दा नाम अली अली करना मजलस की जीनत है नाले जेड़ी बीमारी है वेनू दे टीके होने चाहिए हकीम कोल मैं जिथे लाकरा में हकीम भी हाँ मेरे को विलायत अली दे टीके क्योंकि बुग़्ज़ अली दी बीमारी लगी खड़ी है ते फकी भी मेरे को मुदरी जा मेरे को फकी है फकी विलायत अली दी मैं गदीर तो नहीं ने मैं रक्षे चो नहीं ले मैं किसी मुल्ला दी लारी दी डिंगी चो नहीं बगदीर तो नहीं है ये फकी हो जी बहुक्मे खुदा कायनात दे रसूल ने सवा लख हाजिए दे सामने कुट पीस के तैयार की थी इस फकी दा खासा की है बंदा बंदे दा पुत्र बन के जुबान दे जरिए दिल तक पहुँचा लवे मुनाफकत दा फोड़ा नहीं रहा तकसीर दियाँ फिर दियाँ खाता छोर रुपये का टाइम दस देना मेरे अजीज मोहतरम शौकत रजा साहब आ रहे तुम जो मेरे सामने बैठे हो पिछों नहीं तकना क्योंकि पिछों कमजोर बंदे तक दे बड़ी मेहरबानी है फसाद शाहौरी भी आ गए बिल्कुल सुने मैं फसाद साहब की मौजूदगी मैं को वजाहत नाल तो नहीं पढ़ सकता चूंकि मेरे पीर का नाम की है या अली मजलिस पढ़ रहा एक मुला बोले इंसान नवा मुला हो सके शाह जी मैं निकल तो दसो मैं के केड़ी हो सके शिया सुरीले क्यों देन मैं के मातम कर देन जज्बाती हो गए हो सुभान अल्लाह अल्लाह थोड़ी जिंदगी करे मालिक से तो अटू जेब चुपा ले इसे मंगिया तो ना देवी ना या अली मैं गल भी छोड़ गया उस मुल्ला क्या शिया सुरीले क्यों दिन मैं क्या मातम कर दिन उसके सवाल अजीब है तो जवाब अजीब है मैं कहते तेनू समझ नहीं आई दुनिया का हर बंदा बिसुरा हो सकता है मातमी बिसुरा नहीं हो सकता उसके दलील की है मैं क्या बिसुरे बंदे दा मातमी नाल हाथ नहीं जलता अकीदा की जलना या अली कुशाए आलम है अली की जात मुझे कार साथ लगती है मैं बेनमाज नहीं हूँ नमाजी और सुन लो मुझे अली की मोहब्बत नमाज लगती है और मेरी नेमत का जिक्र करो जो महिला ने तुमको अता की है सहाबी रसूल हजरत जाबर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ने मेरे पंजवें इमाम को पूछा अल्लाह जो फरमा रहा है मेरी नेमत का जिक्र करो मौला फरमा रहे हाँ फरमा रहे उसकी नेमत का जिक्र ता करना है जो पता लगे वो नेमत कौन है फरमाया मेरा दादा अली
दिलों में सरूर रखते हैं, अगरचे खौफ है लेकिन जरूर रखते हैं। नतीजा कुछ भी हो महशर में हम ये कह देंगे, अली वो नाम है जिसका गरूर रखते हैं। या अली, या अली, या अली, या अली। तू इलामा इकबाल बन के बहरे नारा मार हैदरी। अल्लाह थोड़ी जिंदगी चुप कर गए, चुप कर गए। फ्रंट से बैठे हो, मैं एक हदीस से कुछ ही तर्जमा करने लगा। भाई जी आ नारा लगाओ अल्लाह अकबर तकड़े होके आओ भाई और उठ के लफर शाहरी बिस्मिल्लाह सलामत रहो। पंजा खोल के पैदल सारे पंजा खोलो भाई। ए पूछो जिन्हें पंजा नहीं खोले उन्हें तो की मतलब है। या अली ये मकमूम दुहाते कायनात है, तौहीद दे हरफ, तौहीद दे बचाण वाले पांच मुबाले विच पांच चादरे तो तौहीद दे तले पांच जिन्हां दी पांच पंजां पंजां दी विलायत दे हरफ पांच मतलब हिदायत दे इकरार दे हरफ पांच इकरार दी वजह तो शहादत दे हरफ पांच शहादत दा माना जिंदगी जिंदगी दे हरफ पांच जिन्हां दी पंजां नाल जिंदगी उहनां जनाज़े दी तकबीरां पांच जिन्हां दे जनाज़े दी तकबीरां पांच उहनां दी कब्र दी तलकीन दे हरफ पांच हाथ दी उंगलियां पांच कोटे 14 जमा करो पांच दंद पत्ती जमा करो पांच अल्लाह पैदा पंजां नूं मान के खाना ते हलाल ही चल के खाना ते हराम ही
कुछ चंद साल पहले मैं तला गंग तो मजलिस पढ़ के जा रहा सब पिंडी घेब के नाल पिंड अखलास बड़े अखलास नाल मैं जा रहा अगो सड़क आंज जी नीवी सड़क है उधर ट्राली भी आ गई ट्रक भी आ गया तो वैगन भी आ गई तो सड़क गई मुक्त किला गया ठोक मेरा ड्राइवर मेरा भतीजा दुल्फिया उसने कहा चाचू जी हूँ की करिए मैं क्यों हूँ अली अली करिए खुदा गवाए मैं बाबू जी खड़ा भाई मैं बड़े बड़े यकीन दिला मैं क्या मेरा पुत्र सड़क तक गई मुक हूँ गड्डी सट खाई बिच मत बचते हुए तो मैं या अली आखना मैं या अली आखे तो गड्डी हवा में उड़ के मेरी झोली में कुरान पाक की तफसीर नूर सकलैन तो गड्डी ने खाई भी डिगी तो दरखत आई सफेद वो चौं पइया तो खलोगी तो सोजी मेरे अंज मैं हलाया तो जीवन दे उत्थे बिच बह के मैं लिखिया फिर भी मिनट तो बाद मैं उस गड्डी से मजलिस पड़ी मेरे वेखो नारा है दरी सरफराज शाह पीछे जवाद शाह पीर मौला अली मदद ओए पीरा ओ लकीर दिया फकीरा लकीर भी ओ जड़ी काबे च आई आई जी मैं गल की थी भला की हो जवाद शाह जी सलाम मिले शेर 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 वो गड्डी खाई हुई डिग पई तो गड्डी बिच बह के मैं एक चार मिसल लिखी एक ही नाम मैं लेता हूँ संभल जाता हूँ और इसी नाम से हर बात का हल पाता हूँ जब जमाने में मुझे कोई मुसीबत आए या अली कह के मैं मुश्किल से निकल जाता हूँ मैं अली नू